I'll send it to the power.
नमस्कारं करोमि। मंत्र चार के प्रतिपादन ओंकारं बिंदु समित्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षं च व्या ओंकाराय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणे विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमस्ते शारदा देवी काश्मीरपुरवासिनी त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यावरं च देहि मे। ॐ भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्भातॄणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। शान्तकायं भुजक्षयनं पद्मनाभं सुरेश्वरम् विश्वधारं करुण सुदर्शनं मेघवर्णं सुभाषणं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगनिद्राविगम्यं अन्तरिक्षशुभग्रहणं सर्वलोककेकनाथनं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम रमेति रमेति रमे रामे मनोरम रमे सहस्रनाम प्रतुल्यं राम राम वरानने। नीलाम्बुज श्याम कोमलायंगं सीता समारोपितवान् भागम्। पानो महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। शनुत्रा शरणा शनो भवतर्मा शनो इन्द्र बृहस्पति शनो विष्णुरुद्रमा। नमो ब्रह्मे नमस्य वायो तमेव प्रतिक्षं ब्रह्मासि तमेव प्रतिक्षं ब्रह्मा वदिष्यामि नित्यं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तद्वा मातु तदुपकार मातु अथवा भक्ति उपकार। ॐ शांति शांति शांति। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले रामायण की कथा। All right.
ध्यानी भय तुरत कन्या सुखदानी। और इस प्रकार से तब यह देखकर जनक जी ने विनती की और भूमिजा तुरत सुखदायक कन्या हो गई। फिर वह सिंहासन सखियों सहित अंतर ध्यान हो गया और सब कोई चकित हो गए। और जनक जी के विनती से वो जो भूमिजा वो एक सुंदर कन्या में हो गई और जो चार सखियां उनके साथ थी वह उस सिंहासन सहित अंतर ध्यान हो गई। सब लोग देखते रह गए। रोदन सुनत सुनैना रानी लीन उठाए गोद सुखमानी। और राजा जनक की रानी जो सुनैना है उसका रोना सुनकर सुनैना रानी ने सुखमान गोद में उठा लिया। अति पवित्र जानकी नाम रखा और नारद जी ने आकर सीता कहा। हाँ, पहला नाम भूमि पुत्री रहा, दूसरा सुनैना ने रखा जानकी, और तीसरा नारद जी ने रखा सीता। पुरुष बालक बूढ़े और जवान हैं, उन सब को प्राण से अधिक प्यारी लगती है। चतुर राजा ने पढ़ने को बैठाई और थोड़े दिनों में ही सब विद्या पाई। एक समय जानकी जी शिव जी का बड़ा तप किया था। तब शिव जी ने आकर कहा वर मांगो। तब राजा ने हाथ जोड़कर विनती कर कहा, हे स्वामी, तुम जिनका रात दिन जप करते हो और जिनको भेद नेति नेति कह कर बखान करते हैं, उन ईश्वर को हम प्रत्यक्ष देखे यही वर दीजिए और कुछ नहीं। यह वार्ता सुनकर शिव जी ने एक धनुष दे समझाकर कहा कि इसका विनय पूर्वक पूजन करना तो तुमको भगवान ही आकर मिलेंगे। और इस प्रकार I'm not afraid of the dark.
प्रिय भक्तजन